गूगल, गूगल तो हर एक फोन में होता है। मैंने देखा गूगल, फिर किसी ने मुझे बोला यार गूगल का ऑफिस देख, क्या जोरदार ऑफिस है दुष्यंत, तू पागल हो जाएगा ऑफिस देख के। यार ऑफिस देख लिया, बाप रे गूगल का ऑफिस जोरदार है। माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस देख लिया। किसी ने बोला अबे नेस्ले बहुत जोरदार कंपनी है, मैगी बनाती है और बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाती है। किसी ने कहा हिंदुस्तान यूनिलीवर बेहतरीन कंपनी है। किसी ने कहा अरे इन्फोसिस और TCS का तो जवाब ही नहीं है। किसी ने कहा कि यार ब्रिटानिया है ना, ब्रिटानिया क्या कंपनी है, उनके ऑफिस बैंगलोर में ऐसे खतरनाक बने हुए ना कि क्या बताऊं। किसी ने कह दिया कि यार गवर्नमेंट कंपनीज में जॉब करने का तो मजा ही कुछ और है। किसी ने कह दिया कि यार वो शाहरुख खान की जो कंपनी है रेड चिलीज, मेरे को तो मीडिया एंटरटेनमेंट इसमें जाने की इच्छा है। कोई बोलता है यार मेरे को न्यूज चैनल्स में काम करना है, मुझे NDTV में काम करना है, ऐसे लोग भी हैं। देन समवन सीज कि यार मुझे तो किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना है, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर कोका कोला। यार जब आप और चीज़ें हो रही है कि भाई अपने को एग्जाम देना है, अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना है, वी हैव टू मोटिवेट आवर सेल्व्स। मुझे एक चीज़ बताइए, इतनी सारी कंपनीज हैं, और बच्चों जैसे आपने केमिकल इंजीनियरिंग किया है तो बहुत रेयर चांसेस हैं कि आप गूगल में काम कर पाएंगे। अगर आपने MBA किया है HR में तो बहुत कम कंपनीज हैं या बहुत स्पेसिफिक कंपनीज ही हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। अगर आपने IIT से इंजीनियरिंग किया है किसी पर्टिकुलर फील्ड में, सिविल इंजीनियरिंग किया है, तो आप कंस्ट्रक्शन वाली कंपनीज में ही काम कर सकते हैं। यार ऐसा कौन सा कोर्स है जो मैं कर लूँ तो मैं किसी भी वर्ल्ड की बेस्ट से बेस्ट कंपनीज में काम कर सकता हूँ, मैं इंडिया की सबसे बेहतरीन कंपनी में काम कर सकता हूँ। जब मैं गूगल माइक्रोसॉफ्ट में कह रहा हूँ तो भैया इनकी इंडिया में सब्सिडरीज हैं, इन्होंने इंडिया में कंपनी इनकॉर्पोरेट करके रखी है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गूगल इंडिया, देन जो भी नेस्ले की तो जो सब्सिडरी है इंडिया में, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, दैट इज लिस्टेड कंपनी, HUL लिस्टेड है। तो भाई साहब ये जब कोर्स मैंने किया ना, CS का कोर्स किया, तो या जब मैं कर रहा था तो मैं अपने आप को इतना मोटिवेट करता था कि यार दुष्यंत आप किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं, ये कोर्स इतना बेहतरीन है। क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी तो हर कंपनी को चाहिए, इनफैक्ट जिसकी पेड अप कैपिटल 5 करोड़ के ऊपर है, और 5 करोड़ की पेड अप कैपिटल बहुत नॉर्मल चीज़ है। उसके बाद ना ये कोर्स करने के बाद ऐसा नहीं है भैया कि फ़ोन लगा के क्रेडिट कार्ड बेचना है। बाबा बहुत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ कम्युनिकेशन होता है, कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव से के साथ कम्युनिकेशन होता है, कंपनी में जो CAs वगैरह काम करते हैं उनके साथ आप कोऑर्डिनेट करते हैं। कोई टारगेट्स नहीं होते, टारगेट्स मतलब हाँ कंप्लाइंसेस के टारगेट होते हैं, बट ये नहीं होता कि भैया तुमको सेल करना है इतने का। रिस्पेक्ट मिलता है बच्चों, कोई गाली देके बात नहीं करता, अबे कल इतने का टारगेट अचीव करना है, तेरे को ये करना है, तेरे को वो करना है बच्चों। और अगर डांट भी पड़ती है ना तो वो बंदा आपको डांट रहा है जो आपसे कई गुना ज़्यादा स्किल्ड है, ही इज़ ऑल्सो CS, उसको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपका सीनियर है, और डेफिनेटली एक दिन आप उसको रिप्लेस भी करते हैं अपने स्किल्स के थ्रू। तो मैं जब CS करता था तो मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन यही होता था कि यार जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना, मैं वहाँ पर काम कर सकता हूँ। और बच्चों ऐसे कई बड़े ब्रांड्स हैं जैसे मक्वायरी, मैंने इस कंपनी में इंटरव्यू दिया था, यहाँ पे तो बच्चों 12 लाख का पैकेज था, जब मुझे हार्डली कुछ 2 या 1.5 या 2 साल का एक्सपीरियंस है तब मुझे यहाँ से ऑफर आया था। तो ये तो मैंने कभी ब्रांड सुना ही नहीं था, बट वहाँ से इतने अच्छे ऑफर की बात हुई थी, इतने अच्छे सैलरीज वो लोग ऑफर कर रहे थे जिन CS को। तो और वहाँ पे जो कोर काम था वो CS का था ही नहीं, वो इंटरनेशनल कंप्लाइंसेस थे। तो मैं आपको वही कह रहा हूँ कि यार इससे बड़ा मोटिवेशन आपको क्या चाहिए। आपके फ्रेंड्स देखिए, बाकी लोग देखिए बच्चों, वो अभी भी अपनी ज़िंदगी में पार्ट ढूंढ रहे हैं, कुछ MBA करने की सोच रहे हैं, कुछ कुछ करने की सोच रहे हैं, मतलब कई लोग प्लेन LLB करने की सोच रहे हैं, और जो लोग प्लेन LLB कर रहे हैं वो किस डायरेक्शन जा रहे हैं, अभी आप देखिए दिल्ली में पुलिस वालों के साथ मारपीट कर रहे हैं बच्चों, ये क्या है। तो नहीं पढ़ना है इस पचड़े में बच्चों, डू वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज, इसमें हम कुछ स्किल्ड चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो बाकी के लोग पढ़ने वाले नहीं हैं, ठीक है। और कंपनी में जाने के बाद वर्क कल्चर भी बहुत अच्छा होता है, बहुत ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। हाँ ये है कि CS कोर्स में एक चीज़ है कि आपको पढ़ना पड़ता है क्योंकि लॉ से रिलेटेड फील्ड है, तो इसमें आप जितना एक्सपर्ट रहेंगे, जितना एक्सपर्टीज आपके अंदर रहेगा, आपको ग्रोथ उतना ज़्यादा मिलता है। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब कंपनी के बहुत ऊंचे लेवल तक आप जा सकते हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा कई कंपनीज के CEO MD भी कंपनी सेक्रेटरीज हैं। सो ये बहुत अच्छा कोर्स है, और जिन बच्चों के एग्जाम्स हैं वो बच्चों को अगर कभी ऐसा लगता है ना कि डीमोटिवेशन आ रहा है, नहीं मन हो रहा है पढ़ने का, बच्चों प्लीज़ अगर एक नेगेटिव थॉट से ना पॉजिटिव थॉट बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है,
थिंक अबाउट द कंपनीज यू नो जहाँ पे आप काम कर सकते हैं यार, बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज हैं। जहाँ पे ये साले लोग पबजी और ये सब, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कॉलेज के बाहर टाइम पास करना, ये सब बेवकूफ़ी में अपना टाइम लगा रहे हैं। मैकडॉनल्ड्स में बैठ के फ्री इंटरनेट के चक्कर में घंटों बैठे रहते हैं। बतिस्ता नहीं, बरिस्ता कैफे कॉफी डे। बच्चों मुझे देख के दुख होता है बच्चों, कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो अपना करियर इतना इंपॉर्टेंट है। और करियर और हेल्थ, मैं मानता हूँ कि ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एज अ यंगस्टर मैं चाहता हूँ कि बच्चों आप दोनों चीज़ों में बैलेंस करें। और यू नो इस एज में ये एज करियर बनाने की एज है बच्चों। सो प्लीज़ थिंक अबाउट गुड कंपनीज, अच्छी कंपनीज के बारे में सोचिए यार, और अच्छा करियर सेट कीजिए। वो फॉर्मल कपड़े पहनने का फील, वो शर्ट, वो पैंट, वो टाई, लड़कियों का अपना ड्रेसिंग होता है बच्चों, वो अलग ही फील है। साला वो बीकॉम कर लिया, बीकॉम के बाद एमबीए गए, एमबीए लोन लेके कर लिया, उसके बाद साला सैलरी इतनी नहीं मिली कि साला लोन रीपे कर सको। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द एमबीएस, बट बच्चों हर कोर्स अपनी जगह अच्छा है। बट मैं चाहूंगा कि आप ग्रेजुएशन तक, सीएस तक, ग्रेजुएशन तक आप सीएस कर लें। ग्रेजुएशन के बाद भी सीएस करना बहुत प्रॉफिटेबल है, बहुत अच्छा कोर्स है। और यस, कई लोग मुझे बोलते हैं कि सर आप सीएस कोर्स को क्यों प्रमोट करते हो। डेफिनेटली मैं उसका प्रोडक्ट हूँ यार, मेरे को, मैंने अपनी ज़िंदगी चेंज की, तो मैं प्रमोट करने ही वाला हूँ उस कोर्स को। और मुझे लगता है कि ये कोर्स करके हर आदमी अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। सो प्लीज़ ये कोर्स कीजिए। आप जिस कंपनी का सपना देखते हैं बच्चों, आप उस कंपनी में सेट हो सकते हैं बच्चों। अगर मैं आज चाहूँ तो मुझे लगता है कि नहीं यार, मुझे गोवा में सेट होना है, तो मैं गोवा में जाके, गोवा में ऐसी कई कंपनीज हैं जो जिनको सीएस की ज़रूरत है, मैं गोवा में जाके रह सकता हूँ। मेरे को अगर चेन्नई जाना है, मैं चेन्नई जा सकता हूँ। मुंबई तो व्हाट वी कैन से, एक मंदिर है वहाँ, तो हर एक आदमी जा सकता है। पूना है, बैंगलोर है, दिल्ली है, कोलकाता है, आप जिस शहर में जाना चाहें उस शहर में सेट हो सकते हैं। हाँ, और अभी तो प्रैक्टिस बहुत अच्छा एक तरीका है काम करने का, पैसे कमाने का, तो वो भी एक चीज़ है, आप कर सकते हैं। सो मोटिवेट कीजिए अपने आप को इस कोर्स से। डोंट फील, डोंट लेट एनी नेगेटिव थॉट कम इन। ऐसे कई गधे हैं जो आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपकी तरक्की से चलने वाले लोग, उनकी बातों में ज़रा मत पड़िए, बिल्कुल भी मत पड़िए। फोकस कीजिए, पढ़ाई कीजिए, और अपने ग्रोथ और अपने अपॉर्चुनिटीज जो आने वाली हैं उनको पाने की पूरी कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।